वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मसाला करेले, बहुत ही ज़बरदस्त मसालेदार, बहुत ही टेस्टी। इसको बनाने के लिए हम छोटे साइज़ के करेले लेंगे, ये बहुत कड़वे नहीं होते। करेले जितने बड़े साइज़ में होंगे उतने ही कड़वे होते हैं। ये बहुत ही नरम और फ्रेश करेले हैं, आप देख सकते हैं कि इनकी सीड्स भी बहुत नरम हैं। मैं इसको इस तरह सर्कल्स में काटूंगी और उसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करूंगी। आधा किलो करेले में 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। नमक हम इसलिए ऐड करेंगे ताकि इसमें से जो पानी है एक्स्ट्रा वो निकल सके। नमक लगाने के बाद अब हम इसको ढक कर रखेंगे और इसमें से जो पानी रिलीज़ होगा इससे करेले की कड़वाहट कम हो जाएगी। इस तरह नमक लगाने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए इसे ढक कर रखेंगे ताकि करेले अंदर से सॉफ्ट हो सके। तकरीबन 20 मिनट के बाद अब हम करेले के ढक्कन को उठाकर चेक करेंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम हाथों से मैश करेंगे, इससे ये करेले बहुत नरम हो जाएंगे। करेलों में जितना ज़्यादा पानी निकलेगा ये इसमें से कड़वाहट उतनी ही कम होगी। आप देख सकते हैं काफ़ी पानी रिलीज हो चुका है। अब इसको हम किसी छलनी की मदद से या हाथों से इसको अच्छी तरह से छान लेंगे, पानी सारा अच्छी तरह से ड्रेन कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में 1/2 कप ऑयल शामिल करेंगे, इसमें करेले ऐड करेंगे। करेलों को हम फ्राई करेंगे, फ्राई करते वक्त आंच को मीडियम रखेंगे, ना बहुत लो रखेंगे और ना बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे। मीडियम आंच पर हम करेलों को फ्राई करेंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। इस तरह वक्फे से चम्मच चलाते रहेंगे और इन्हें फ्राई करते रहेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई करेंगे। जब तक करेले फ्राई हो रहे हैं हम आपसे शेयर करते चलें कि हमारे चैनल पर भिंडी मसाला की रेसिपी मौजूद है जो कम ऑयल में तैयार की है, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी रेसिपी है, आप उसे भी ज़रूर चेक कीजिएगा। अब करेले गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और इन्हें ऑयल से अलहदा कर लीजिए। अब इसी ऑयल में जो बचा हुआ ऑयल है इसमें हम प्याज को डालेंगे। मैं यहाँ 3 दरमियाने साइज़ के प्याज ऐड करूँगी। प्याज थोड़े ज़्यादा ऐड करेंगे ताकि करेले की कड़वाहट कम हो सके और अच्छा सा मसाला तैयार हो सके। इन प्याज को हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, जस्ट इसका कलर चेंज करेंगे और थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। अब प्याज का कलर चेंज हो चुका है, अब इसमें 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद अब हम इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे ताकि लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है, जो इसमें स्मेल है, वो दूर हो सके। लहसुन अदरक के साथ फ्राई करने के बाद प्याज में अब हम 3 से 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर हम ज़्यादा ऐड करेंगे ताकि इसमें अच्छा सा मसाला तैयार हो सके। टमाटर ऐड करने के बाद अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें शामिल है 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, आप मिर्च को कम या ज़्यादा अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून साबुत सूखा धनिया ऐड करेंगे, इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इन स्पाइसेस के बाद अब हम इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक कर पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो सके। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद अब हम इसको चेक करेंगे कि टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और इनको थोड़ा सा हम मैश करेंगे। बहुत ज़्यादा मसाला भुनेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा इसको लिक्विड फॉर्म में नहीं करेंगे। टमाटर अब काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं और मैश भी हो चुके हैं, हम मसाला भूनते वक्त बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे। और ऑयल तो हमने इसमें पहले ही बहुत कम इस्तेमाल किया है, हम सब्ज़ियों को कम ऑयल में बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हेल्दी डिश तैयार हो सके। बहुत से लोग सब्ज़ी पकाते वक्त बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करते हैं, खाने में ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर पैदा होगा। और इसमें 1 टेबल स्पून अनारदाना ऐड करेंगे, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे डाल सकते हैं या आप इसे स्किप कर लीजिए। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब तमाम स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो लास्ट में आप इसका नमक का लेवल चेक कर लीजिएगा, जितना आपको कम महसूस हो इस वक्त आप ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि नमक हमने पहले भी लगाया था। अब हम इसको लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, इससे क्या होगा कि ऑयल सारा ऊपर इकट्ठा हो जाएगा और सब्ज़ी भी अच्छे से पक जाएगी, स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद अब इसमें
हम चेक करेंगे कि हमारे मसाला करेले कितने अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब इसे बारीक कटी हुई हरा धनिया और हरी मिर्चों से गार्निश करेंगे। तो ज़बरदस्त मसाला करेले तैयार हैं जो हमने बहुत कम ऑयल में और बहुत कम टाइम में तैयार किए हैं। मसाला करेले की इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। सब्जियों को जब भी पकाएं इन्हें कम ऑयल में और कम टाइम के लिए पकाएं। बहुत ज़्यादा सब्ज़ी पकाने से इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। मसाला करेले की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।